हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी आईएससी सेट के फिजिक्स के ऊपर सिक्स क्विज लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अ टेलीस्कोप एंड ए माइक्रोस्कोप डिफर इन दैट। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिफर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, बोथ आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑफ सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैग्नीफाइंग। सेकंड, टेलीस्कोप हैज आई पीस विथ लार्जर फोकल लेंस दैन द ऑब्जेक्टिव लेंस। थर्ड, टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंस एंड आई पीस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंस एंड ऑप्शन फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंस एंड आई पीस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग पैटर्न इज डार्क बिकॉज। जो सेंटर होता है न्यूटन रिंग पैटर्न का वो डार्क होता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन, द ग्लास प्लेट एंड द प्लैनो कॉन्विक्स लेंस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ओनली रीजन। जो ग्लास प्लेट होते हैं और प्लैनो कॉन्विक्स लेंस होते हैं वो कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे से। द लाइट अंडरगोज अ फेज चेंज फाय। जो लाइट होती है वो लैम्बडा से फेज चेंज हो जाता है फाय लैम्बडा ऑफ द कॉन्टैक्ट एज वेल एज द लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑफ ए पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाय टू। और ऑफ द कॉन्टैक्ट एज वेल एज द लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट डिफरेंस ऑफ टू लैम्बडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑफ द कॉन्टैक्ट एज वेल द लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाय टू। जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाय टू। जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन होता है और उसका पार्ट डिफरेंस हो जाता है लैम्बडा बाय टू। नेक्स्ट, यहाँ पे उसका रीजन दिया है, एट द सेंटर द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म फॉर्म बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट इज जीरो। सेंटर पे जो थिकनेस होती है एयर की, एयर फिल्म की, और जो फॉर्म होते हैं लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में वो जीरो है। देयरफॉर एट द सेंटर द ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रेज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास प्लेट इज जीरो। इसलिए सेंटर पे जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस होता है बिटवीन द रेज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज में वो कितना होता है जीरो। बट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्बडा बाय टू इज इंट्रोड्यूस। लेकिन जो रिफ्लेक्शन से एक पार्ट डिफरेंस होता है लैम्बडा टू होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस पार्ट डिफरेंस गिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर एंड हेंस सेंटर इज डार्क। इस पार्ट डिफरेंस की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है सेंटर पे और सेंटर डार्क बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय यूजिंग। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं किसकी मदद से? लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसका सही आंसर है सेकंड, अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय यूजिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस को यूज करें तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड मल्टीप्लायर इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर विच कनेक्टेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू वी वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द अपराटस यूज्ड इन सबमरीन्स टू गिव द क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन और ग्राउंड इज नोन एज। जो अपराटस यूज होता है सबमरीन्स में क्लियर व्यू देने के लिए ऑब्जेक्ट्स का ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन और ग्राउंड, जो सर्फेस पे होते और ग्राउंड पे होते यहाँ पे ओशन के, तो वो किसकी मदद से करते हैं? पेरिस्कोप, सेक्टन, स्टीरियोस्कोप, टेलीस्कोप। इसका सही आंसर है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप की मदद से, दिस इज द अपराटस यूज्ड इन सबमरीन्स टू गिव द क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन और ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एज कोर फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। नीचे दिए गए में से कौन सा मेटल कॉमनली यूज किया जाता है एज ए कोर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में? फर्स्ट आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एनी ऑफ द अबव वन ऑप्शन। इसका सही आंसर है फोर्थ, एनी वन ऑफ देम ऑब्जेक्ट। इन तीनों का यूज किया जाता है एज ए कोर फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड ए कोर मेड फ्रॉम आयरन, निकेल और कोबाल्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना जाता है? तो ये बनता है कॉइल ऑफ कॉपर वायर, जो कॉइल होता है कॉपर वायर,
अराउंड ए कोर मेड। कोर किसके मेड होता है? आयरन के भी होता है, निकल के भी होता है और कोबाल्ट के भी। इन तीनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं हम एज ए कोर? द कॉइल्ड वायर विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जो कॉइल्ड वायर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है उसमें। हाउ एवर द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स द मोमेंट द करंट स्टॉप्स। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाते हैं यानी कि वो वैनिश हो जाते हैं जब करंट स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स। जो पीस ऑफ आइस होता है वो फ्लोट करता है बीकर में जो कंटेनिंग वाटर, वाटर में जो वाटर कंटेनिंग बीकर होता है वहाँ पे आइस फ्लोट करता है। व्हेन द होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन, द लेवल ऑफ वाटर विल कम अप, द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट राइज एंड देन फॉल, द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेल्टेड आइस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग आइस। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है मेल्टेड आइस का वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग आइस, इसलिए कोई भी डिफरेंस नहीं होता और द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चोक इज यूज टू, चोक किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, ब्लॉक डायरेक्ट करंट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट, कन्वर्ट एसी टू डीसी और कन्वर्ट डीसी टू एसी। तो चोक यूज किया जाता है ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ चोक इज एन इंडक्टर यूज टू ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वाइल पासिंग लोअर फ्रीक्वेंसी और डायरेक्ट करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो ओजोन लेयर होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो किससे? अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, विजुअल रेडिएशन या फोर्थ ऑप्शन इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द ओजोन लेयर एक्ट एज ए फिल्टर फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाईली हजार्डस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVR फ्रॉम द सन, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट्स। When the sky is clear, there is an inverse relationship between the stratoscopic ozone and solar ultraviolet rays measured at the Earth surface. जब sky clear होता है तब inverse relationship रहता है stratoscopic ozone और solar ultraviolet rays के जो measure करते हैं at the Earth surface पे। Next क्वेश्चन नंबर 9। A fan produces a feeling of comfort during hot weather because एक fan प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज। फैन की वजह से हमें फीलिंग ऑफ कंफर्ट मिलती है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं जब हॉट वेदर होता है यानी कि समर में। फर्स्ट, फैन सप्लाई कूल एयर और बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, अवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। इसका मतलब क्या है? अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स सराउंडिंग्स टेम्परेचर। जो और परस्पिरेशन यानी कि हम अपनी बॉडी जो हीट छोड़ती है वो जल्दी छोड़ने लगती है, आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। इसकी वजह से जो गर्म हवा होती है हमारे बॉडी के ऊपर वो चली जाती है और ठंडी हवा रिप्लेस करती है, क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कूल एयर से, सॉरी हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है कूल एयर से, इसलिए जब हवा हमारे बॉडी को लगती है तो हॉट एयर रिप्लेस कर लेती है कूल एयर को यानी कि नॉर्मल सराउंडिंग की टेम्परेचर एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ए सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। सितार पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वायर जो होती है सितार की वायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस। तो नीचे देखे में से कौन सा वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस करते हैं? प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल या स्टेशनरी लॉन्जिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स या स्टेशनरी ट्रांसवर्स। तो इन चारों में से कौन से वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल। प्रोग्रेसिव लॉन्जिट्यूडनल वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं सीता इंस्ट्रूमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस, जो वॉल्यूम होता है गिवन मास का ड्राई गैस का, गिवन मास ऑफ ड्राई गैस
इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस प्रेशर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके उसके प्रेशर से। दिस लॉ वॉज प्रोपोज बाय, ये लॉ किसने प्रोपोज किया? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, यानी कि जो वॉल्यूम होता है गिवन मास ऑफ ड्राई गैस, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय पी, वन बाय पी यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दिस लॉ वॉज प्रोपोज बाय, ये लॉ किसने प्रोपोज किया? फर्स्ट ऑप्शन बॉयल, सेकंड ऑस्टवर्ल्ड, थर्ड एरेनियस, फोर्थ फैराडे। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट बॉयल, ये लॉ बॉयल ने प्रोपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग, जो ग्रोथ होते हैं बेबी की जो यूटेरस में फाउंड होते हैं, ये किसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं? एक्सरेज, गैमा रेज, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट रेज? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू चेक द बेबीज डेवलपमेंट, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड टू हेल्प पिकअप एनी एबनॉर्मलिटीज, द अल्ट्रासाउंड स्कैन इजंट 100% एक्यूरेट, बट द एडवांटेजेस ऑफ द टेस्ट आर दैट इट्स नॉन इन्वेसिव, पेनलेस एंड सेफ फॉर बोथ मदर एंड अनबॉर्न बेबी। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो यूज होता है प्रेगनेंसी के वक्त चेक करने के लिए बेबीज की डेवलपमेंट को, द प्रेजेंस ऑफ ए मल्टीपल फ्रिक्वेंसी एंड टू हेल्प पिकअप एनी एबनॉर्मलिटीज, जो प्रेजेंस होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का वो चेक करने के लिए और पिकअप करने के लिए एनी एबनॉर्मलिटीज जो बेबीज में हो सकती हैं। द अल्ट्रासाउंड स्कैन इजन 100% एक्यूरेट, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इसके एडवांटेजेस ये है इस टेस्ट के कि इट्स नॉन इन्वेसिव, ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है, पेनलेस, ये दर्दनाक नहीं है एंड सेफ फॉर बोथ मदर एंड अनबॉर्न बेबी, और ये दोनों के लिए सेफ है, मदर के लिए और अनबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द, जो प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो अप्लीकेबल होता है क्या एक्सप्लेन के लिए? फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट, जो मिराज फॉर्म होता है डेजर्ट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो इमेज फॉर्म होती है माइक्रोस्कोप में उसे एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कलर ऑफ इवनिंग स्काई, जो कलर होता है इवनिंग स्काई का, यानी कि जो नारंगी कलर जिसे हम कहते हैं ऑरेंज कलर, ऑरेंज टाइप कलर होता है इवनिंग स्काई का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, जो ऑप्टिकल फाइबर ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबो आर करेक्ट, नीचे देगे में से कौन से करेक्ट है, अब मतलब ऊपर देगे में से कौन से एक्सप्लेन कर सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल से? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट और ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डेजर्ट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द वेदर मैप टेलीकास्ट इन टीवी इज फोटोग्राफ बाय द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जो वेदर मैप होता है टेलीकास्ट होता है टीवी पे, वो फोटोग्राफ किया जाता है सैटेलाइट से ऑर्बिटिंग अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, वो ऑर्बिट करते हैं अर्थ का एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, कितने हाइट पर वो होते हैं? 3600 किलोमीटर या 360 किलोमीटर, यानी सबसे पहले ऑप्शन किलोमीटर्स में दिए गए सारे ऑप्शंस, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट 36,000 किलोमीटर। द वेदर मैप टेलीकास्ट इन टीवी इज फोटोग्राफ बाय द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज, जो यूनिट होता है वर्क का और एनर्जी का वो क्या होता है? जूल, न्यूटन, कूलम या डायप्टर? इसका सही आंसर है फर्स्ट जूल। द जूल इज ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि आईएस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आईयू या फिर आईएस भी कह सकते हैं इसे, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं उसमें जूल ये एनर्जी को दिया गया यूनिट है। इट इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि अगर कोई फोर्स 1 न्यूटन का 1 मीटर दूरी से वो उस ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स देता है, यानी कि उस
ट्रांसफ़र करता है, और उसमें जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है उस ऑब्जेक्ट में, तो वो 1 जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ द टेम्परेचर एट विच, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, ये टेम्परेचर होता है एट विच, किसका टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, कि वो किसी ऑब्जेक्ट का या किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं या फिर मेजर करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ जीरो, तब द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज स्टैंडर्ड प्रेशर, थर्ड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ यूनिटी, या फोर्थ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस अबव इट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट। जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द गैस अबव इट, जो गैस होती है ऊपर की उससे। और लिक्विड बॉयल्स एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, जहाँ पे अगर हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसका प्रेशर इक्वल थोड़ा थोड़ा इक्वल हो जाता है प्रेशर ऑफ गैस जो सराउंडिंग में है। तो जब वो सराउंडिंग के बिल्कुल इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर लिक्विड का प्रेशर ऑफ गैस के, तो वो बॉयल हो जाता है पूरी तरह से। द लोअर द प्रेशर ऑफ ए गैस अबव द लिक्विड द लोअर द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड विल बॉयल, जितना लोअर प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ गैस का, यानी जितना प्रेशर ऑफ गैस यानी कि जो सराउंडिंग के गैस का होगा उतना प्रेशर कम होगा, उतना ही कम टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उस लिक्विड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द शाइनिंग पार्टिकल सीन इन द पाथ ऑफ बीम फ्रॉम ए प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल इज ड्यू टू द, जो शाइनिंग पार्टिकल्स हम देखते हैं इन द पाथ ऑफ बीम फ्रॉम ए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से निकले हुए पाथ में इन सिनेमा हॉल इज ड्यू टू द, इज ड्यू टू द किसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं। शाइनिंग पार्टिकल्स इमेंटेनेटिंग फ्रॉम प्रोजेक्टर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट, थर्ड ब्रोनियन मूवमेंट ऑफ द डस्ट, एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो इसका सही आंसर है सेकंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट, जो स्कैटर होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को लाइट स्कैटर होते हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से पाथ ऑफ लाइट में, जो लाइट का पाथ होता है उसकी उसमें। नेक्स्ट डेसीबेल इज यूनिट ऑफ, डेसीबेल किसका यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी, लाइट का, हीट का, या इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका सही आंसर है साउंड इंटेंसिटी, डेसीबल इज ए यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। डेसीबल एक किसका यूनिट है, इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वन वैल्यू ऑफ ए पावर और फील्ड क्वांटिटी ऑन अदर ऑन ए लॉगारिथमिक स्केल। तो लॉगारिथमिक क्वांटिटी बींग कॉल्ड द पावर ऑन लेवल और फील्ड लेवल रिस्पेक्टिवली, इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ चेंज इन वैल्यू और एन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो डेसीबल होता है वो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर इज, नीचे दिए गए में से कौन सा सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑप्शन जर्मन सिल्वर, सेकंड जर्मेनियम, थर्ड फॉस्फरस, या फोर्थ आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर है सेकंड जर्मेनियम। जर्मेनियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल जीई, जीई उसका सिंबल है, एन एटॉमिक नंबर 32, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 है। इट इज़ अ लस्ट्रस हार्ड ब्रिटल ग्रेइश वाइट मेटालॉइड इन द कार्बन ग्रुप, ये एक लस्ट्रस यानी कि चमकदार हार्ड ब्रिटल यानी कि ठोस लेकिन ब्रिटल यानी टूटने जैसा है, ग्रेइश वाइट, ग्रेइश है और इसका कलर ग्रेइश वाइट है, मेटालॉइड इन कार्बन ग्रुप, ये मेटालॉइड है कार्बन ग्रुप का। केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर सिलिकॉन एंड टिन, और ये केमिकली सिमिलर होता है इसके नेबरी ग्रुप के सिलिकॉन और टिन, मतलब एक ही यहाँ पे रो में आते हैं। प्योर जर्मेनियम इज ए सेमी कंडक्टर, जो प्योर जर्मेनियम होता है वो सेमी कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ चार्ज इज, जो यूनिट होता है चार्ज का वो क्या होता है, कूलम, फैराडे, न्यूटन, या वोल्ट। तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, फैराडे, न्यूटन, या वोल्ट। तो इसका सही आंसर है कूलम, द कूलम इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। इट इज़ द चार्ज ट्रांसफर बाय कॉन्स्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कॉन्स्टेंट करंट 1 एम्पियर अगर ट्रांसफर कर देता है तो उसे 1 कूलम चार्ज कहा जाता है एक सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैथ लिस्ट 1 करेक्टली विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गन बिलो,
लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कीजिए, करेक्टली मैच कीजिए और आप अपना आंसर बताएं। लिस्ट वन, कॉपरनिकस, सेकंड केपलर, थर्ड गैलीलियो, फोर्थ न्यूटन। तो लिस्ट टू, मून्स ऑफ जुपिटर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हीलियोसेंट्रिक थियरी, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि किसने क्या डिस्कवर किया। कॉपरनिकस ने क्या डिस्कवर किया, केपलर ने क्या डिस्कवर किया, गैलीलियो और न्यूटन ने। तो सबसे पहला, सबसे आसान हमें समझना पड़ेगा कि न्यूटन, न्यूटन ने क्या किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि डी टू यहाँ पे तीन बार डी टू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन बार डी टू है, ए थ्री यहाँ पे, कॉपरनिकस हीलियोसेंट्रिक थेरेपी। मुझे लगता है कि कॉपरनिकस हीलियोसेंट्रिक थेरेपी दे सकता है, ए थ्री। और केपलर, केपलर ने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो दिखाया था, कि केपलर ने ये कहा था कि जो लॉस था प्लैनेटरी मोशन का, कि प्लैनेट यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे किस दिशा में घूमते और किस तरह से घूमते हैं, वो प्लैनेटरी मोशन उन्होंने एक्सप्लेन किया। और गैलीलियो ने ये एक्सप्लेन किया कि ये हीलियोसेंट्रिक थेरेपी है, थेरी है। हीलियोसेंट्रिक यानी कि सन मेन पोजिशन पर होता है, यानी कि सेंटर पर, और उसके आसपास यहाँ पर घूमते हैं ए सी वन, यानी कि गैलीलियो ने क्या किया कि मून ऑफ जुपिटर, यहाँ पे मून्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21, मैथ लिस्ट वन करेक्टली विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट कॉपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी न्यूटन। लिस्ट टू में क्या है, मून्स ऑफ जुपिटर, सेकंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी एंड फोर्थ लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो किस साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया या फिर क्या क्या उन्होंने आउटपुट दिया और कौन सी थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे आसान है कि न्यूटन ने क्या किया, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन किया है यहाँ पे। तो डी टू यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी हम ये ढूंढ सकते हैं कि कॉपरनिकस ने क्या कहा। तो उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, हीलियोसेंट्रिक यानी कि सन ये सेंटर में होता है और प्लैनेट उसके अराउंड घूमते हैं। सब उसके पहले क्या सोचा जाता था कि पृथ्वी जो है अर्थ यानी कि वो सेंटर है और सन और बाकी के प्लैनेट उसके आसपास घूमते हैं, तो ये गलत था। तो इन्होंने एक से करेक्ट किया कि सन स्टेबल होता है, एक ही जगह पे होता है और हम उसके आसपास घूमते हैं, तो ये उन्होंने किया। बी केपलर, केपलर ने क्या किया कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन के लॉज है वो बताया। हमें ये सोचते थे कि वो हम सर्कल में घूमते हैं लेकिन ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से ही हमें समर, विंटर और रेनी सीजन, ये तीन सीजन्स देख सकते हैं। यानी अगर हम सेंटर में एक ही सर्कल में घूमते तो हमें सिर्फ एक ही सीजन दिखता हमेशा। तो थर्ड, यहाँ पे गैलीलियो ने क्या फाइंड किया, तो मून्स ऑफ जुपिटर, जो भी मून्स ऑफ जुपिटर के मून्स होते हैं, चांद होते हैं, वो उन्होंने डिस्कवर किया। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। कॉपरनिकस ने क्या फाइंड किया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज की, जहाँ पे सन सेंटर पे होता है और बाकी के प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सेकंड केपलर ने क्या दिया था, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि जो लॉज होते हैं प्लैनेटरी मोशन के, वो जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि विंटर, समर और रेनी सीजन, ये तीन सीजन बदलते क्यों हैं। गैलीलियो ने मून्स ऑफ जुपिटर यानी कि चांद जो जुपिटर के होते हैं वो फाइंड किए, और न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए। असर्शन ए, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है जो ट्रांसमिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस पे थ्रू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ वेरी हाई वोल्टेज, जो वायर्स कंडक्ट करते हैं वो वेरी हाई वोल्टेज के होते हैं। रीजन, ओनली देन द पावर कैन बी सप्लाइड टू द इंडिविजुअल हाउसेस। इसकी वजह से सिर्फ पावर कैन बी सप्लाई टू द इंडिविजुअल हाउसेस, जो इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं सबके अपने अपने घर होते हैं वहाँ तक सप्लाई हो सकती है पावर की, इसकी वजह से। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्कीम गिवन बिलो। तो हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सेकेंड ऑप्शन, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड, बोथ ए एंड आर फॉल्स, मतलब दोनों ही गलत है। और फोर्थ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए फॉल्स है, ए गलत है लेकिन आर ए ट्रू है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ए करेक्ट
एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन, एन एथलीट रन सेम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। एथलीट क्या करता है, सेम डिस्टेंस लेता है बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेने से पहले एथलीट सेम डिस्टेंस वहाँ पे लेता है। रीजन, इट हेल्प्स हिम टू अप्लाई लार्ज फोर्स। ये हेल्प करता है उसे लार्ज फोर्स अप्लाई करने में। तो इसका सही आंसर कौन सा ये हमें फाइंड करना है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, जो दोनों ए एंड आर है वो ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स है लेकिन आर इज ट्रू है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए, एन एथलीट रन्स द सेम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। एथलीट्स रन्स दौड़ते सेम डिस्टेंस है बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप लेने से पहले। और रीज़न है इसका कि इट हेल्प्स हिम टू अप्लाई लार्ज फोर्स, तो उनको लार्ज फोर्स अप्लाई करने में इससे मदद मिलती है। तो ये गलत है, रीज़न गलत है, लेकिन असर्शन यानी कि जो स्टेटमेंट है ना, एथलीट रन सेम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स अ 5D लेंस, व्हाट डज इट मीन। जब कोई ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करता है 5D यानी कि 5D लेंस, व्हाट डज इट मीन, वो क्या मीन करता है, उसका मीनिंग क्या होता है। कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो कॉनकेव लेंस होता है 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का, वो प्रिस्क्राइब करता है। इसका मीनिंग ये होता है, वेन एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स अ 5D, जब कोई ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करता है 5D ऑप्टर लेंस, तो उसका मीनिंग होता है कि कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो उसका, क्योंकि एक डिओप्टर 4 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि 5D यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नीचे दिए गए में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। किलोवाट आवर, एनर्जी, सेल्सियस, नेम ऑफ ए किंग, बैलेंस व्हील इन वाटर, इन वार एंड न्यूट्रन फोर्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ पे एक तो बहुत ही मज़ेदार है केल्विन, सेल्सियस, नेम ऑफ किंग, ये बहुत ही मज़ेदार है ये बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच 25, इसका सही आंसर है सेल्सियस, नेम ऑफ किंग। एंड्रू सेल्सियस वॉज ए स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। वो राजा नहीं थे। किलोवाट आवर, एनर्जी, ये सही है। बैलेंस व्हील इन वॉच, इनवार से वो काउंट किया जाता है, वो उसका यूनिट है। न्यूटन फोर्स, ये भी सही है, लेकिन सेल्सियस, नेम ऑफ ए किंग, बहुत ही मज़ेदार और गलत मैच है। तो इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फिजिक्स के 6th क्विज़, ये 6th सेट है फिजिक्स का। थोड़ी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं, तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हुआ इस वीडियो में होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि भले ही कौन सी भी सिचुएशन आ जाए, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहिए। यहाँ पे थोड़ी हेल्थ ख़राब होने के बावजूद मैंने ये वीडियो किया, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो करता हूँ, बाकी की स्टडी या फिर कुछ भी जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो करके। तो वो जो ये रन होता है कि हर दिन एक वीडियो, ये मैं तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अगर ये वीडियो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।